दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर कुलपति राजेश सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी जयंती पर हम लोगों ने शपथ लिया है कि उनके रास्ते पर चलकर देश हित में कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है, उसको भी हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उसका आयोजन करते हैं। आज उसी के साथ आज हम सभी स्वच्छता जागरूकता सप्ताह का भी आयोजन कर रहे हैं और राष्ट्रीय एकता शपथ भी हम सभी कि भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक प्रगति में एक प्रमुख बाधा रहा है। मेरा मानना है कि सरकारी नागरिकों जैसे काम करने की जरूरत है। एहसास है कि हर नागरिक सतर्क रहना चाहिए, हर समय ईमानदारी और अखंडता का उच्च स्तर के लिए इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं ईमानदारी से मेरे जीवन के सभी भागों में मैं ना तो रिश्वत लूंगा ना ही लेने दूंगा। मैं सभी कार्य पारदर्शी तरीके से मैं जनता के हित में काम करूंगा, मैं ईमानदारी दिखाऊंगा। मैं भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी से कराऊंगा। जय हिंद। मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सकता है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने के लिए करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, सरदार पटेल एकता दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। एक मैसेज क्लियर है, हम लोग ने स्पष्ट क्यों लिया कि ऐसा लगता है कि ये हमारी व्यवस्था में इन चीज़ों की कमी है, ईमानदारी की, पारदर्शिता की, काम करने वाले एनवायरनमेंट की। और इसलिए हम अपने आपको सभी याद दिलाना चाहते हैं कि हमें इसकी जरूरत है और ये प्रतिज्ञा हमने सबने की है। खास कर मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि वो इसको
के बारे में सोचें, क्योंकि जो आगे का भविष्य है आपको बनाना है, आपके आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके वे ऑफ स्टाइल में, आपके रिफ्लेक्सेस में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम हर चीज़ ईमानदारी से करेंगे, चाहे पढ़ाई है, चाहे और डे टू डे जीवन चल रहा है। और ये अगर ये आपके आपके जहन में आ जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये धीरे धीरे समय बताएगा। हर छोटी छोटी चीज़ क्लास अटेंड करने में ईमानदारी होती है, क्लास नोट्स को लिखने में ईमानदारी होती है, कैसे आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें ईमानदारी होती है। तो ये छोटी छोटी बातों से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आज का ज़माना जो है, आज का ज़माना ये है कि आपको अपने आप को तैयार अपने गोरखपुर के लिए नहीं करना है, पूरे देश के लिए करना है, पूरे राष्ट्र इंटरनेशनल मार्केट में आप कहाँ स्टैंड करते हो उसको लिए करना है। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आप अगर आपके ये आपके पर्सनैलिटी में ये चीज़ें आ जाएंगी तो अपने आप पे करती रहेंगी। आप देखिएगा आपका करेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आने वाले दिनों में आपको मदद करता रहेगा। मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ कि इन रास्तों पर चलिए। धन्यवाद। हमारे साथियों, अपने बच्चों, आज का यह कार्यक्रम, जैसा कि सर ने कहा कि हमें अपने अंदर खुद झांकना चाहिए कि हम ईमानदारी से हर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्वयं में ईमानदार होंगे तभी हम दूसरे को ईमानदारी का पाठ पढ़ा सकते हैं और उसको शिक्षा दे सकते हैं। मैं इसी शब्दों के साथ अपने आए हुए माननीय कुलपति जी का, जो आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, आपने सर हमें समय दिया, इसके साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अपने सभी विभाग अधिष्ठाता महोदय का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे आमंत्रण पर आप यहाँ उपस्थित हैं। हम सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की यादगार में मनाया जाता है। और उनकी बातों को हम लोग याद करते हैं, एक शपथ लेते हैं कि कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हमारा हमको हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कैसे हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, कैसे हमें डिसिप्लिन से काम करना चाहिए। तो ये दिवस मनाया जाता है, आज हम लोग ने मनाया है। या NSS जो हमारा नेशनल सर्विस कोर है, उसके ही तत्वाधान से इसको हम लोग ने आज ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं सभी बच्चों से को हम लोग ने शपथ दिलाई और उन्होंने लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शपथ केवल शपथ ही नहीं रहेगी बल्कि उनकी पर्सनैलिटी में भी जाएगी। धन्यवाद।